नमस्कार, न्यूज़ रूम पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। भारत में करीब 275 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ के काटने से सेकंडों में मौत हो जाती है, जबकि कुछ का जहर तड़पा तड़पा कर मारता है। ज्यादातर सांप काट कर अपना शिकार करते हैं, लेकिन कुछ सांप अपने नथुनों से अपने शिकार पर जहर थूक कर अंधा कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज हम आपको सांपों के बारे में क्यों बता रहे हैं। दरअसल बिग बॉस कंटेस्टेंट और विनर एल्विश यादव के केस में FSL की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें नशे के तौर पर सांप का जहर लेने की पुष्टि हुई है। रेव पार्टियों में सांप का जहर लेने का चलन काफी बढ़ गया है, लेकिन जहां एक तरफ लोग सांप का जहर जबरदस्ती ले रहे हैं और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वहीं इन सांपों के जहर से कई लोगों की जान भी बचाई जाती है। आपको बता दें कि सांपों के जहर का इस्तेमाल घातक रोगों से लड़ने के लिए दवाइयां बनाने में की जाती है। हमारे वैज्ञानिक लगातार सांपों के जहर को लेकर अध्ययन कर रहे हैं। दिल की बीमारियों से लड़ने की दवा में सांप के जहर का पहले से इस्तेमाल होता आया है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, कैंसर, अल्जाइमर जैसे रोगों के लिए दवा बनाने में सांपों का जहर इस्तेमाल होता है। जब किसी को दिल का दौरा पड़ता है और हार्ट फेल होता है, तो बचाव के लिए सांप के जहर से बनी दवा ही दी जाती है। BBC की एक रिपोर्ट की माने तो जरारा का पिट वाइपर सांप के जहर से सबसे ज्यादा दवाई बनाई जाती है। यह सांप हरे रंग का होता है और सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में पेड़ पर पाया जाता है। इसके काटने से इंसान का बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसी का जहर कई घातक बीमारियों की दवा बनाता है। वहीं रेटल स्नेक का जहर वैसे तो काफी जानलेवा है, लेकिन उसके जहर का इस्तेमाल कैंसर से लड़ने के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक इस पर कई शोध भी कर चुके हैं। रेटल सांप के अंदर क्रोटॉक्सिन पाया जाता है, जो दवा का काम करता है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने सांपों पर कोरोना का असर सबसे कम देखा था और अपनी रिसर्च में यह भी दावा किया था कि कुछ सांप कोरोना से बचाव में मदद कर सकते हैं। अब आपको ब्लैक मांबा के बारे में बताते हैं। ब्लैक मांबा सांप भी काफी जहरीला होता है, लेकिन इसका जहर दवा भी है। अभी इस पर शोध जारी है, लेकिन माना गया है कि इसका जहर पार्किंसन और अल्जाइमर बीमारी से लड़ने में काफी कारगर है। अब आखिर में पिट वाइपर सांप, जिसका जहर भी BP में काम आता है। इसके अलावा इसकी कई दवाइयों को लेकर शोध जारी है। तो कहते हैं ना कि चीजों को सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो अमृत है, लेकिन गलत हाथों में चला जाए तो जहर बन जाता है। खैर, समझदार को इशारा ही काफी है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।